हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली कुर्ती का हॉल। तो मैंने मीशो से कुछ कुर्तीज ऑर्डर की है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में सारा कुछ मैं आज डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मीशो से अगर आप परचेस करते हो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और यहाँ से मैंने अभी तक जितने भी चीज़ें परचेस की है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और कुछ रिटर्न करना हो तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, अगर आपको साइज़ अगर नहीं आया या आपको कोई क्वालिटी पसंद नहीं आई। एक्चुअली आपको क्वालिटी तो आप पसंद ही आएगी, बट हो सकता है कि मुझे पसंद आती है और आपको नहीं पसंद आती है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, तो इसी वजह से आप वहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने मीशो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको बताया। मीशो ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप वहां पर पैसे भी कमा सकते हो, मतलब आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो अपना। पहले आप मीशो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैं क्लिप ऐड कर दूंगी इसके लिए कि आपको मीशो ऐप डाउनलोड करने के बाद बिजनेस कैसे करना है। मतलब जो लेडीज मुझे देख रही है यहाँ पर, जो लेडीज कुछ करना चाहती है घर बैठे और उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है या इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो वो लेडीज यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो आप देख लीजिए क्लिप में कैसे कैसे करना है। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे डिटेल में पूछ रहे थे, तो आप ये जो क्लिप है वो अच्छे से देखिए। मतलब इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कैसे करना है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई है। तो ये वाली जो क्लिप है आप मिस मत करिए, तो ये वाली क्लिप आप देख लीजिए पूरी, फिर उसके बाद आपको मैं जो कुर्तीज मैंने यहाँ से परचेस की है वो दिखाती हूँ। हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइनअप कर सकते हो। साइनअप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पर शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पर। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है। मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है, आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है, और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो। कि बैंक अकाउंट में मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है। तो ये वाली कुर्तीज़ मैंने यहाँ से परचेस की है, और सबसे पहली कुर्ती है ये,
मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगी इसकी। मतलब ये जो मटेरियल है वो कॉटन का मटेरियल है, और ये इसका प्लाजो है, और ये जो है इसका कुर्ता है। कुर्ता भी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्यारा है यार, और कलर तो बहुत ज्यादा प्यारा है। मुझे ये वाला कलर ना स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब देखते हो तो एकदम ब्राइट ब्राइट सा और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा सूट होता है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्शन के हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर ये ब्लू कलर में। ये पूरा कुर्ता है, कॉटन का कुर्ता है, आप देख सकते हो इतना अच्छा कुर्ता है। इसका जो नेक है आप देख सकते हो बोट नेक है। मुझे तो बोट नेक के जो ड्रेसेस है ब्लाउजेस है बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और अभी ट्रेंड में भी है बोट नेक के जो ड्रेसेस एंड ब्लाउजेस, तो इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो थ्री फोर स्लीव्स है इसकी, तो ये भी काफी कंफर्टेबल लगता है मतलब समर में पहनने के लिए। और कॉटन मटेरियल है, मेन बात तो ये है कि कॉटन का मटेरियल है। समर में इस तरह के कॉटन के मटेरियल के ड्रेस हम लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, और कॉटन अच्छा भी रहता है पहनने के लिए। तो इसका जो प्लाजो है वो प्लाजो नहीं है, एक्चुअली पैंट है, तो ज्यादा घेर वाला नहीं है, तो पैंट है। इस तरह से ओवरऑल प्रिंट दी है पैंट पे, और यहाँ पर इलास्टिक दिया है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका भी मटेरियल मुझे। और ओवरऑल ये ड्रेस ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बट ना थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि इसमें मैं हमेशा एम साइज ऑर्डर करती हूँ, मेरे कोई भी ड्रेसेस में एम साइज रहती है, बट इसमें थोड़ा सा एम साइज मुझे टाइट हो रही है, मतलब यहाँ पर टमी के एरिया में, तो यहाँ पर टाइट हो रही है, मतलब टमी नहीं, अब लोअर पोर्शन में तो थोड़ा सा टाइट हो रहा है मुझे। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये मैं रिटर्न करूँ, मतलब एक्सचेंज करना है मुझे, ये एल साइज में ऑर्डर करना है, तो इसे मैं एक्सचेंज कर दूंगी। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सचेंज करने के लिए जाती तो बहुत टाइम लगता, मतलब 4-5 दिन और लग जाते, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ, मतलब यही दिखा देती हूँ आपको। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता, और सेकेंड कुर्ता है ये तो बहुत ही सुंदर है, रेयॉन का कुर्ता है, और कुर्ता आप देख सकते हो ये ना अम्ब्रेला कुर्ता है, और ऑफ वाइट कलर में है, इसमें गोल्डन कलर की प्रिंट दी है, पूरी गोल्डन कलर की इस तरह की प्रिंट है। यहाँ पर बटन्स है, यहाँ पर बटन्स है, आप देख सकते हो ये वाले, और यहाँ पर गोल्डन पाइपिंग दी है, और आगे भी गोल्डन पाइपिंग दी है, थ्री पोस्ट स्लीव्स है, और अम्ब्रेला पैटर्न का ये कुर्ता है, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, रेयॉन मटेरियल है, तो ये कुर्ता भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसके साथ ना कोई प्लाजो या नीचे बॉटम वेयर नहीं आता है, तो सिर्फ कुर्ता ही है ये। बट इसके साथ चुन्नी जो दी है वो बहुत ही प्यारी चुन्नी दी है यार, बहुत सुंदर लगी मुझे चुन्नी। तो आप देख सकते हो चुन्नी कुछ इस तरह से है, दो कलर में चुन्नी है, येल्लो एंड पिंक कलर में, बहुत ही सुंदर लगती है, और इस पे गोल्डन प्रिंट दी है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देती है ये चुन्नी भी, तो आप देख सकते हो। और ये ना इस तरह से गोटा पट्टी लगाई है, मतलब ये जो लेस लगाई है लास्ट में, तो इसकी वजह से ना इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है और बहुत क्लासिक दिखता है पहनने के बाद ये जो कुर्ता है वो। और आप देख सकते हो चुन्नी एक आप डाल दोगे ना प्लेन कुर्ते पे भी, ये चुन्नी डाल दोगे ना बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये कुर्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर थर्ड कुर्ता है मेरा ये, तो ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे। मतलब जो भी मैंने कुर्ते ऑर्डर किए हैं ना, तो मैं आपको इसी वजह से दिखा रही हूँ कि ये कुर्ते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और कुछ सेट है इसमें से, मतलब एक ही इसमें जो बॉटम वेयर है नहीं आया है, बाकी ये सेट ही है पूरे, तो ये पूरा दुपट्टा के साथ सेट है, तो इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है, पूरा लंबा सा दुपट्टा है, और एक देख सकते हो आप, और इसको मैं पहन के भी दिखा दूंगी आपको तो कैसे लगेगा। और पूरा जो कुर्ता है आप देख सकते हो पिंक कलर में कुर्ता है, और थ्री फोर स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स के नीचे भी इस तरह से डिजाइन है, और काफी ज्यादा सुंदर लगता है इसकी वजह से। और नेक भी राउंड नेक है इसका, और इसमें भी मैंने साइज एल ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें साइज एल ऑर्डर करूँ, क्योंकि ये जो कुर्ता है थोड़ा सा शॉर्ट है नीचे से, मतलब जैसे पिक में दिख रहा है तो वैसे नहीं है, मैंने रिव्यू पढ़े थे इसके शॉर्ट है, तो इसी वजह से मैंने इसमें एल ऑर्डर किया था, तो ये अभी मुझे परफेक्ट आ रहा है। मैंने राइट डिसीजन लिया था येल ऑर्डर करने का, तो येल ऑर्डर कर दिया मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट आया है मुझे। और इस पे ना ये गोल्डन फॉइल प्रिंट दी है, तो ये फॉइल प्रिंट कुछ इस तरह से है, पूरे कुर्ते में फॉइल प्रिंट है इस तरह से, गोल्डन फॉइल प्रिंट, और पीछे से भी फॉइल प्रिंट है, मतलब पूरे कुर्ते में ही ये फॉइल प्रिंट दी है, तो इस तरह से ये पिंक कलर में कुर्ता है। और चुन्नी तो आपने देख ही ली, और ये है पैंट इसका, इसमें प्लाजो नहीं दिया है, पैंट दिया है, तो पैंट कुछ इस तरह से प्लेन पैंट है, और पैंट के नीचे कुछ इस तरह से डिजाइन दी है, तो
तो ये भी फॉइल प्रिंट ही है, गोल्डन फॉइल प्रिंट, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। रेयॉन मटेरियल का है और बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज, और मतलब मटेरियल आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। रेयॉन मटेरियल तो आपको पता ही होगा कितने अच्छे होते हैं और कितने सॉफ्ट होते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल होते हैं, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं रेयॉन मटेरियल। तो लास्ट कुर्ता मेरा ये है, ये मैंने पिछली बार हॉल में आपको दिखाया था, येल्लो कुर्ता। कुर्ता मेरा ये है, तो ये मैंने येल्लो कुर्ता आपको पिछली बार पिछले हॉल में दिखाया था, तो उसी टाइप में मतलब उसी उसी पैटर्न में मैंने दूसरा कलर लिया है, तो ये वाला कलर है वो, और ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन कलर है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है ये भी। और इस टाइप का मेरे पास कोई भी कलर नहीं था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसमें दिख गया मुझे तो ऑर्डर कर दिया मैंने। तो ये वाला कुर्ता कुछ इस तरह से है, इसमें भी पतली सी गोटा पट्टी लगाई है इस तरह से, और ये बेल स्लीव्स है इसकी, और राउंड नेक है, और आप देख सकते हो स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है, बेल स्लीव्स है, राउंड नेक है, और पूरे कुर्ते में इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ दी है, गोटा पट्टी सिल्वर कलर की। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इसका पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। आपने पिछली बार पिछले हॉल में आपने देख लिया होगा, येल्लो कलर का कुर्ता था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वैसे भी मुझे येल्लो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझ पर येल्लो कलर सूट भी होता है, तो इसी वजह से मैंने येल्लो कलर ऑर्डर किया था उसमें, बट ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ये वाला कलर ऑर्डर कर दिया इसमें, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। और जो बॉटम वेयर है वो है पैंट, तो इस तरह से पैंट है, और बहुत ज़्यादा फिटिंग का पैंट है, मतलब ज़्यादा एकदम आपको अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है, आप देख लेना पहने हुए मुझे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से इसका पैंट है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें पसंद आई है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर इसका अभी लुक बुक भी देख लीजिए कि मुझ पर किस तरह से दिखते हैं सारे कुर्ता प्लाजो सेट। So I said no, no, no. It was supposed to be my pants, so girl. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, so girl. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe. So I said no, 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 it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions, I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions, I can't believe. So I said no, 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 it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions, I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions. So I said no, 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 it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions, I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, so girl, what did you do to me? I killed down no one to free for champions, I can't believe. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। अगर आपको पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।